उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य की ढांचागत सुविधाओं को मजबूती देने का खाका तैयार किया है। उत्तराखंड की धरती पर विदेशी निवेश उतारने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन की उड़ान भरी है। 3 दिवसीय लंदन और बर्मिंघम के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों से मिलेंगे और संभावना तलाशेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार इन्वेस्टर समिट करने की तैयारी कर रही है। वहीं राज्य में भूस्खलन, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। राज्य में आज दिन सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण सड़क हादसे हो रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश के दौरे कर रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ऊपर सड़कें इस समय बंद पड़ी है पूरे राज्य में। रोज आना आप देखते हो, चट्टान गिरने से, पहाड़ गिरने से, भूस्खलन से, कोई दिन ऐसा बताइए जिस दिन एक्सीडेंट से लोग न मर रहे। रोज आना मौत हो रही है, रोज आना जाने जा रही है। और ये तो इन्वेस्टर्स समिट की बड़ी हुई है। देहरादून जो कैपिटल है स्टेट का, वो डेंगू कैपिटल बना हुआ है। डेंगू से लोगों की जान जा रही है। 1 लाख से ऊपर लोग इस समय डेंगू से प्रभावित है पूरे देहरादून में। और मुख्यमंत्री जी विदेश की यात्रा कर रहे हैं। भैया आप क्या कहें, धर्म का अफीम का भूटा ऐसा मिला रखा है कि लोगों को नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन लोग जवाब देंगे।